हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स जोन। आज इस वीडियो का टॉपिक है मीडियन, क्लास टेंथ। मीडियन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे डेटा में। डेटा है हाइट ऑफ द स्टूडेंट, सेंटीमीटर में हाइट गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमें इससे मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में हाइट अरेंज करेंगे डेटा में, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में है। नंबर स्टूडेंट्स, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड हम प्रिपेयर कर रहे हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करने का मेथड, एट नंबर ऑफ स्टूडेंट में फर्स्ट वैल्यू एट एज इट इज हम नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यू के लिए एट प्लस ट्वेल्व इन्हें ऐड करेंगे, ट्वेंटी। एट और ट्वेल्व प्लस किया, ट्वेंटी। 20 में अब नेक्स्ट वैल्यू प्लस करेंगे, 17। 20 प्लस 17, 37। अब इस 37 में फिर नेक्स्ट वैल्यू प्लस करेंगे, 14। 37 एंड 14, 51। 51 में प्लस करेंगे नेक्स्ट वैल्यू, 13। 64। और 64 में नेक्स्ट वैल्यू में 6 प्लस करेंगे, 70। इस तरह से हम प्रिपेयर कर रहे हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू 70, लास्ट वैल्यू पर डिपेंड करेगा नेक्स्ट स्टेप। ये इवन है या ये ऑड है, ये इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है लास्ट वैल्यू, तब फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है मीडियन कैलकुलेशन के लिए, देखिए। एन इज इक्वल टू 70 मीन्स इवन नंबर। तो मीडियन फॉर्मूला है, इवन के केस में एन बाय ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाय टू प्लस वन अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय टू। एन बाय टू इट मीन्स एन फॉर दिस नंबर लास्ट वैल्यू 70। तो 70 बाय 2, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, 35 प्लस एन की जगह 70 बाय 2, 35 प्लस 1, 36 डिवाइडेड बाय 2। 35 और 36 प्लस किया, 71 बाय 2 डिवाइड करेंगे, 35.5। 35.5 ये वैल्यू कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में किसके नियर बाई है, किसके आसपास है, 8 के, 20 के, 37 के या 51 के। तो ये वैल्यू 37 के आसपास है। तो 37 के कॉरस्पॉन्ड में एक्स आई की वैल्यू 122 मीन्स मीडियन वैल्यू है 122। तो हाइट ऑफ स्टूडेंट मीडियन वैल्यू 122 सेंटीमीटर।